स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हाफ ईयरली एग्जाम पेपर कक्षा बारहवीं हिंदी विशिष्ट हिंदी विशिष्ट के पेपर का फोर्सन ले करें तो वीडियो को पूरा देखिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वेलाइकन को ऑन करिए जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देख लीजिए पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुने सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं कौन है प्रेमचंद यशपाल जी देवकीनंदन खत्री मल्लाल वर्मा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद की कहानियाँ आठ खंडों में प्रकाशित हुई इंदुमती के मानसरोवर के सरस्वती के प्रताप के कौन से खंड के नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार शुक्ल ने भय के रूप में बताया कितने एक दो पाँच छः आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है आशंका से भय से संभावना से आशा से नए में मेहमान एकांकी के अंत में आने वाला अंगतुक था विश्वनाथ रेवती का भाई बाबूलाल इसके बाद नेक्स्ट है अच्छे अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी की तरह हो जाती है नौ चटनी पंचरतन चटनी द्विरत्न चटनी सप्तरतन चटनी सभी विषय पर बोलने वाले को कहा जाता है क्या कहा जाता है पेशेवर अध्यक्ष पुराना अध्यक्ष रेडीमेड अध्यक्ष नया अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है कहानी व्यंग उपन्यास नाटक असल प्रकाश को हमारे जीवन में छुपा है यह असल प्रकाश का अर्थ क्या है विनाश का प्रकाश सृजन का प्रकाश सूर्य का प्रकाश विद्रोह का प्रकाश तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था विक्रम सिंह जय सिंह विजय सिंह सिंह ने यशोधरा से शिक्षा में मांगा था क्या मांगा था चिर मिलन चिर वियोग चिर चिंतन चिर हृदय राजाधर बाबू खुश थे किस लिए थे सेवन पर परिवार से मिलने की उत्सुकता पर मकान खरीदने पर गणेशी से दूर जा होने पर हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं क्या होते हैं अतीत के अनुभव बचपन के अनुभव युवावस्था के अनुभव वृद्धावस्था के अनुभव गीता से संबंधी विनोबाजी ने निम्न में कहा तर्क आत्मा में उत्साह में कर्तव्य में रिक्त स्थान देख लीजिए उपन्यास है क्या दृश्य श्रव्य सजद हिरण वसल अग्रे क्या बोलेंगे अग्रे स्टूडेंट हम बताएंगे आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो या कोर्स हो जे नीट पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन थ्री स्टेप सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन नंबर से आसानी से साइन अप करें और क्वेश्चन की पिक लें या टाइप करें फ्लो ऐप आपको साठ सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल कनेक्ट कर देगा यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो दस परसेंट डिस्काउंट मिले कोड है एस सी एल डबल जीरो वन लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी चौधरी पदीनारायण प्रेमगन थे आलोचक कहानीकार थे इसके बाद के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है भारतीय महावीर मा, प्रसाद द्विवेदी लेखक में स्वयं को जीवन की कथा पाठकों के समझ प्रस्तुत करता है जीवनी आत्मकथा है जब स्वागतम हो जाता है तब कहलाता है कार्यता भागना अच्छे अध्यक्ष होते हैं रेडीमेड आकर्षक तो आकर्षक होते हैं अच्छे अध्यक्ष प्रमुख पक्ता हो के होते हैं सहमत असहमत पुस्तकें किसी की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुई मुझे डांडस बनाती आई है न बुजुर्ग गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था यशोदा यशोधरा गीता की योजना में की गई महाभारत रामायण सूत्रात्मक शैली के प्रणेता थे रामचंद्र शुक्ल उषा प्रिंदा सत्य सत्य बताइए द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है पहला सही है दूसरा गलत है किशोरी लाल की इंद्रमती कहानी है गलत है एकांकी एक दृश्य है, है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है सत्य मनोविकार संबंधी निबंध है गलत नए मेहमान संस्कृति एकांकी सत्य अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह समय से कार्यस्थल पर पहुंचता है सत्य तिमिर में किरण आचरण समीक्षात्मक निबंध है यशोधरा आलोचनात्मक रचना है गलत। ने यशोधरा से बिच्छा चिर वियोग मांगा अधक्ष बनने के बाद अध्यक्ष सुखी नींद सोते हैं। गलत पेशेवर अध्यक्षों के पास प्राय दो शेरवानी होती हैं। सत्य अधक्ष महोदय एक व्यंग रचना है गलत नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या उद्घित की गई सत्य अर्जुन के अशक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस्त कर लिया था सत्य सत्यता शारीरिक शक्ति और बुद्धि से अपराजय थे रस मीमांस आचार्य शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार थे शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंकार थे सही जोड़े मनाइए आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है हिंदी गद्य साहित्य को धरोहर है सचात्मक विधा मूल रूप से देन है यशोदरा की रचयिता मध्यवर्गीय परिवार की समस्या महानगरों की समस्या मनोविकार का विवेचना रोकोगी नहीं राधिका डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे इसके बाद नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए निबंध किसकी कसौटी है संकलन क्या है यशपाल ने समयवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियां लिखी क्रोध का प्रभाव किस पर डाल डाला जाता है दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गौखुरों की रुद्रन खुदरन से क्या बन पाई थी नरवज के राजा मान सिंह ने कैसे संरक्षण प्रदान किया था गीता सहित पूरे भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है गीता और स्वर्ण निबंध पे कौन है उदय शंकर भट्ट ने अपने नाटकों के लिए किस प्रकार के परिवारों की समस्याओं को चुना इसके बाद दो अंक की प्रश्न देख लीजिए ये सारे दो अंक की प्रश्न है इसके बाद चार अंक की प्रश्न देख लीजिए यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आइकन ऑन कर दें जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद स्टूडेंट